टेंशन है और आज मैं आपको बताऊंगा कि मर्क्यूरी लैंप कैसे के कनेक्शन कैसे करते हैं। मैं आप देख रहे हैं मेरे पास एक मर्क्यूरी लैंप मौजूद है और हम लोग इसके कनेक्शन करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग इसको सीरीज लैंप पे चेक करेंगे, ये काम करता भी है या नहीं, ये ऑन सीरीज लैंप के ऊपर कैसे बिहेव करता है। और अभी हम लोग इसको, ये आपके सामने है, ये सीरीज में कुछ इस तरह का दिखता है। और अभी हम लोग इसको कनेक्शन करेंगे, तो अभी आपको बताते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो हमारे पास एक अदर चौक भी है 400 वाट की और हम लोग इसके साथ इसका कनेक्शन करेंगे आज। सबसे पहले हमारे पास वोल्टर भी है एक अदर और इसके साथ हम लोग पहले वायर लगाएंगे, पहले ब्लैक वायर हम लोग लगाएंगे इसके साथ। ये हमारा ब्लैक वायर इसके साथ लग गया और अब हम लोग इसके साथ दूसरी साइड पे रेड वायर लगाएंगे। इस चीज़ का कोई मसला नहीं होता कि हम लोग रेड वायर किस साइड पे लगा रहे हैं और ब्लैक वायर किस साइड पे लगा रहे हैं। आप जिस तरह चाहें रेड वायर लगा सकते हैं और जिस तरह चाहें ब्लैक वायर लगा सकते हैं। तो आपके पास दो पॉइंट हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और अभी हम लोग इसके अंदर इसे टाइट कर देंगे लैंप को। मुश्किल लैंप है ये और 400 वाट। और अभी हम इस लैंप से जो रेड वायर आ रही है उसे हम लोग लगा देंगे चौक में, चौक के किसी साइड पे भी आप लोग इसे लगा सकते हैं। और जो दूसरी साइड पे भी हम रेड वायर लगाएंगे और फिर हम लोग इसके दोनों सिरों को, जो कि ये मौजूद हैं, दोनों सिरों को हम लोग फेस दे देंगे, सप्लाई दे देंगे। तो अभी हम लोग इसे सप्लाई दे के देखते हैं। लैंप का ये है, ये धीरे धीरे रोशन होता है और अगर ये रोशन हुआ और अगर आप इसे एकदम से ऑफ कर दें तो दोबारा ये आराम से, अगर आप इसे ऑन करेंगे दोबारा ये आराम से ऑन होगा, यानी कि काफ़ी देर बाद ऑन होगा। अभी आप देख रहे हैं ये रोशन हो रहा है, ये 400 वाट का है और ये इसकी चौक है और ये लैंप। अभी आप देख रहे हैं ये इसकी रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये था हमारा लैंप का सर्किट, मर्क्यूरी लैंप का सर्किट। सप्लाई से दो तारे आ रही हैं, ब्लैक वायर डायरेक्ट जा रही है होल्डर को और रेड वायर चौक से होके तो दोबारा होल्डर को जा रही है। और ये आपके सामने लैंप रोशन है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।